मॉर्निंग लाहौर जनाब, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक भरपूर जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। और एक भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए ना इंटरनल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान को इत्मीनान नसीब नहीं होता ना, तब तक जिंदगी मुतवाजन ही नहीं हो सकती है। और उसके लिए जरूरी होता है कि अपने दिल की आवाज सुनी जाए और दिल की बात कह ली जाए। वो कहते हैं ना कि कश्तियां हमेशा अंदर के पानी से डूबती हैं, बाहर के पानी से नहीं। और इसी तरह घर भी जो होते हैं हमेशा अंदर की बातों से ही टूटते हैं। तो जनाब, अगर अंदर की बातें कर ली जाए, कथारसिस कर लिया जाए अपनी जिंदगी का, तो जिंदगी की जो कश्ती है ना वो हमवार जरूर हो जाती है। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी तभी हमें मिलती है जब हमारे तमाम अज़ा तंदुरुस्त हों और फिट हों। और इंसानी जिस्म का एक एक अज़ा, एक एक हिस्सा इंतहाई अहमियत का हामिल भी होता है। और हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ अज़ा ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे रहे होते हैं कि अगर वो अपना काम करना बंद कर दें तो जिंदगी का जो तसलसल है वो मुमकिन ही नहीं रह पाता। और उनमें से एक इंतहाई हिस्सा हमारे गुर्दे हैं। गुर्दों की सेहत और उनकी अहमियत उजागर करने और लोगों को इसके अमराज से मुतलिक आगाही फराहम करने के लिए हर साल दुनिया भर में मार्च का जो दूसरा हफ्ता होता है वो गुर्दों से मुतलिक आगाही के हफ्ते के तौर पर, जबकि जो 10 मार्च है उसको आलमी यौम गुर्दा के तौर पर मनाया जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 85 करोड़ अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है और पाकिस्तान में 1,70,00,000 से ज्यादा अफराद गुर्दों के अमराज का शिकार है। तो गुर्दों की सेहत का ख्याल कैसा रखा जाए और गुर्दों की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आदिल मंजूर है, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर आदिल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? आज जैसे कि गुर्दों के हवाले से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और वर्ल्ड किडनी डे भी मनाया जा रहा है, डॉक्टर आदिल, तो पाकिस्तान में जैसे मैं बताई थी डेटा के मुताबिक 1,70,00,000 के करीब जो लोग हैं वो इस वक्त गुर्दों के किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हैं। पहले तो बताइए कि पाकिस्तान में गुर्दों के वाले से सबसे कॉमन कौन सी बीमारियां हैं और उसकी वजह क्या है? हाँ जी, देखिए जी, जिस तरह आपने दादो शुमार बताए कि 1,74,00,000 लोग जो है गुर्दों के मर्ज के शिकायत हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो फिक्रमंद बात यह है कि अगर ये गुर्दों का मर्ज किडनी फेलियर तक पहुंच जाए और उसमें मरीजों को डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े, तो अगर 100 मरीज ऐसे हैं जिनको ये मर्ज है कि किडनी फेलियर, या हम अपनी ज़बान में कहते हैं एंड स्टेज किडनी, अच्छा, तो पहुँच जाए, तो अनफॉर्चुनेटली मुल्क में इतने लिमिटेड रिसोर्स हैं कि सिर्फ 5 से 10% वो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट को अफोर्ड कर ले। अच्छा, तो दिस इज रियली एन अलार्मिंग फिगर के व्हाट इज द रियलिस्टिक स्टेट ऑफ द डिजीज इन पाकिस्तान। ओके, ठीक है, एंड दिस इज फॉर इंडिया आल्सो। अच्छा, ठीक है, जो हमारे मुल्क, अब आपने जो बात की कि इसके किसकी बीमारी की वजूहत क्या है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वजूहत हैं, मैं तो सारी उम्र बाहर रहा हूँ, अभी पाकिस्तान आया हूँ, तो जो 3-4 साल का डेटा पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में देखे हैं, हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं, पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन मर्ज है वो ये है कि बीमारी की अर्ली तशखीस नहीं है। ठीक है, भी मतलब एक हमारा 15-20 साल का लड़का बच्चा कहीं गांव में है, उसके चेहरे पे सोजिश आ रही है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अच्छा, तो वो लोकल किसी जनरल प्रैक्टिशनर को या किसी को दिखा रहा है और बीमारी की तशखीस नहीं होती, और वो इसी तरह बीमारी चलती रहती है। इसको गुर्दों की सोजिश कहते हैं या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इस बीमारी का जब ये शुरू होती है तो उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन होता ये है कि वो इलाज होता नहीं, तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती बढ़ती, सोजिश बढ़ती बढ़ती, गुर्दों की सख्ती और मरीज किडनी फेलियर में चला गया। ओके, ठीक है, और उसका मैंने आपको बताया कि उस स्टेज पर जाके आगे हमारे पास वसाइल नहीं, रिसोर्सेज नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस पाकिस्तान लिमिटेड रिसोर्स कंट्री में है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, वेदर इट इज अ किडनी डिजीज, वेदर इट इज अ लिवर डिजीज। अब लिवर में हेपेटाइटिस सी का जो है, जो दवाइयां आ गई उसने एक किस्म की, इट्स अ मिरेकल थेरेपी कि 3 महीने में हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो, तो हमें अर्ली पिकअप ऑफ द डिजीज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दूसरा पाकिस्तान आता है स्टोन बेल्ट में, मतलब स्टोन बेल्ट का मतलब होता है कि जी पथरी की बीमारी बड़ी कॉमन है। Exactly, ठीक है, हाँ। अब बाहर जो हमने काम किया है वहां पे पथरी से गुर्दा फेलियर का बहुत कम, यहाँ पे क्या होता है कि पथरी पड़ी रहती है, हाँ। गुर्दे में,
और वो कोई उसका इलाज नहीं होता, वो गुर्दे में रुकावट बना रही होती है, अच्छा वो ठीक गुर्दा प्रेशर के काम कर रहा होता है पथरी के अगेंस्ट, और वो करते करते ना वो कोई सर्जरी की तरफ जाते हैं, ना ली ना वो शॉ की तरफ जाते हैं, ना वो स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, मतलब वो खुद ही कह देते हैं कि सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाँ। दर्द की दवाई ले ली और कुछ नहीं, हाँ। और हमारे डोर स्टेप पे वो मरीज जो एक काबिले हलाज 100% मर्ज ठीक है कि स्टोन, उसको इलाज नहीं कराते और इवेंचुअली किडनी फेलियर की चलक जाती। तीसरी स्टोन्स के हवाले से जो बहुत अहम बात है वो ये कि स्टोन्स बनते हैं किसी चीज़ की जिस्म में ज्यादती की वजह से, ठीक है, वो अगर आपके यूरिन में जहरीले मादे ज़्यादा हो जाएं तो वो उनकी मकदार बढ़ जाती है जिससे वो स्टोन बढ़ता है, अच्छा। तो ये एक और काबिले इलाज मर्ज, ठीक है, अगर पानी की मकदार बहुत ज़्यादा रखी जाए, नमक कम रखा है और एक सिट्रेट होता है जिस तरह ऑरेंज जूस वगैरह इन चीज़ों में सिट्रेट, उससे भी मतलब पत्री... हमारे लाइफस्टाइल की जो जी उसकी वजह से भी हम गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। और बहुत से लोग डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या जो दिल की बीमारी है वो भी गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। जी जी, ये बड़े आपने इम्पोर्टेंट बात की शुगर के हवाले से कि शुगर के अगर किसी को शुगर है ना जी तो 20 साल के बाद उसमें से 20% को किडनी डिजीज हो सकती है, ओके चांसेस हैं, हाँ, और 10 साल के बाद जो शुगर का मरीज है उसको अपना रेगुलर चेकअप यूरिन का और ब्लड टेस्ट सीरम क्रिएटिनिन वगैरह करवाने चाहिए, ओके, क्योंकि उस लेवल पे भी वो डिजीज की प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं, अगर वो हो भी गई है तो उसकी जो उसका जो ग्राफ है कि वो तेजी से डायलिसिस पे जा रहा है, तो ऐसी थेरेपीज हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की टाइट दवाइयाँ और यूरिन में जो चर्बी निकलती है उसके खिलाफ दवाइयाँ हैं कि वो बीमारी का जो ग्राफ है उसको हम स्लो डाउन करें, अच्छा, तो 10 ईयर्स आफ्टर डायबिटीज, 10 साल आफ्टर डायबिटीज हर मरीज को अपने किडनी फंक्शन टेस्ट करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिनको मैंने नंबर कोट किया कि 20% को 20 साल के बाद डायबिटीज के बाद उनमें से 5% वो भी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की उनको की तरफ हो रहे होते हैं। तीसरा जो हमारा चौथा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक 20-25 साल के बच्चे को या हमारी बच्ची को ब्लड प्रेशर होगा तो हम कहेंगे ये ब्लड प्रेशर, उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि वो ब्लड प्रेशर उसको ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है, वो किडनी डिजीज की पहली अलामत, अच्छा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वो ब्लड प्रेशर गुर्दे की बीमारी की वजह से, ठीक है, और उस वक्त वो मर्ज काबले इलाज है। हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अर्ली पिकअप होते हैं, वो बेशक डायलिसिस पे भी हो तो एक छोटा सा टेस्ट होता है गुर्दे की बायोप्सी, वो एक जरा गुर्दे से लेके फिर उस बीमारी की तशखीस हो जाए तो उसको टीका लगा ले तो वो ऑफ डायलिसिस हो जाते हैं, नॉर्मल किडनी फंक्शन उनके हो जाते हैं, बेशक उनकी क्रिएटिनिन लोगों ने उनको डायलिसिस एडवाइस किया होता है बाकी चीजें, लेकिन वो ठीक हो जाए क्योंकि पिकअप हो जाए। मतलब अगर ये गुर्दों के अमराज जितने भी अगर उनको बर वक्त तशखीस कर लिया जाए तो वो काबिले इलाज है, काबिले इलाज, और स्टोन और गुर्दे की जो सोजिश है उसमें टॉप के नंबर्स पे। दूसरा मुझे बताइए जो गुर्दों के अमराज है ये क्या जेनेटिकली भी जी जेनेटिकली भी हो सकता है, जिसको कहते हैं इनहेरिटेड डिजीजेस, अच्छा, और ये पाकिस्तान में काफी कॉमन है, उसमें ये कि आपको ये हो गया कि एक बच्चे की 10-11 साल की उम्र में उसको किडनी फेलियर हो गया तो उसके 2-3 बहन भाई और भी होंगे जिनको वो किडनी फेलियर हो, अच्छा, ठीक है, इसमें हमारे खैर वो हमारे रिलीजियस भी पर्सपेक्टिव आते हैं कि उसमें कुछ जेनेटिक काउंसलिंग भी होती है, तो ये एक पूरा मतलब एक सब्जेक्ट है, ठीक है, कि वो अगर फैमिली में इतनी रन कर रही है तो उनको आगे मजीद अगर पता लग जाए, पेरेंट्स को अवेयरनेस हो जाए कि मेरे 2-3 बच्चों को तो आगे उनको कंसीव करना चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए कि नहीं, तो ये एक इम्पोर्टेंट काउंसलिंग ये भी, ठीक है, तो जैसे आप बात कर, अच्छा, अब यहाँ पे इनहेरिटेड डिजीजेस के लिए ना अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सब जीन में चल रही है, हाँ। तो जैसे हम लोग रिसोर्सेज की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के रिसोर्सेज नहीं है पाकिस्तान में, डायलिसिस की तरफ बहुत से लोग जाते हैं और ये बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव भी है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर किस तरह हम लोग इसकी तशखीस के बाद प्रोसेस जो है उसका ट्रीटमेंट फिर किस तरह कर सकते हैं? उसका ये है कि अगर किडनी फेलियर वाकई किसी को अगर हो गया ना तो डायलिसिस तो अब एक ऑप्शन है ना जी, हमें इसमें मुनीबा जो इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप मिलता है, अच्छा, अपने मरीज से जो किडनी फेलियर या डायलिसिस करा रहा है और ब्लड ग्रुप उसका उससे मिल रहा है डोनर का फैमिली, ठीक है, तो ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको अपना लोग पाकिस्तान का
थोड़ा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में डायलिसिस पे सर्वाइवल बिलीव मी अच्छे सेंटर्स में भी 2 साल से ज्यादा नहीं। ओके। और अगर लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं जिंदा आदमी का गुर्दा, बहन भाई उसको गुर्दा देते हैं जिनके अपने गुर्दे 100% तो वो आदमी की जिंदगी 19 साल तक जाते हैं मीडियन टाइम ऑफ अ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। मतलब एक एवरेज हम स्टडीज में देखते हैं तो एवरेज टाइम अगर कोई गुर्दा बहन भाई या बीवी उसको दे दे तो वो 19 साल गुर्दा चलता है। अच्छा। फ्री ऑफ डायलिसिस, ठीक है, यू डोंट नीड टू बी हुक्ड टू द मशीन 3 times a week, ठीक है, और आप क्वालिटी सिटीजन बनेंगे, अपनी नौकरियां करेंगे, शादियां करेंगे, बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो दैट इज अ लाइफ चेंजिंग थेरेपी ट्रांसप्लांट। और ये कितने परसेंट जो है कामयाब होती है ये? जी मैं आपको, ये लिविंग डोनर जो हम कहते हैं ना जिंदा गादे, क्योंकि हमारे पास जिनकी वफात हो जाती है वो गुर्दों वाला तो सिलसिला है नहीं ना जी, इसमें तकरीबन आपका जो 5 year सर्वाइवल है ना वो 90% है। अच्छा। और जिस तरह मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताया ना कि वो तकरीबन 18 से 19 साल वो गुर्दा चलना चाहिए और उस बंदे को बिल्कुल हेल्दी अ नॉर्मल लाइफस्टाइल लाइक यू एंड मी शुड बी। तो मुझे बताइए फिर लोगों को क्या करना चाहिए, आज अवेयरनेस का दिन है तो मतलब अपने गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? सेहतमंद रखने के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि डायबिटीज के जो है वो 10 साल के बाद उनके अपने टेस्ट होते हैं। ओके। दूसरा ये कि अगर आप देखते हैं कि किसी आपके इर्द गिर्द किसी को आंखों में सोजिश होती है, पांव पे सोजिश होती है, ब्लड प्रेशर की, तो फौरन गुर्दे के डॉक्टर को फौरन चेक करें। ये सिम्टम्स हैं क्या? ये सिम्टम्स एंड साइंस हैं, ठीक है। या पेशाब में झाग आ रही है, ठीक है, कि अर्ली पिकअप ऑफ द डिजीज, ठीक है। अब इसी तरह अगर किसी को एक दफा भी कोई गुर्दे की दर्द हो रही है, ठीक है, ही शुड गेट एन अल्ट्रासाउंड, उनको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और फिर हम पूरा वर्कअप, कौन सा स्टोन है, क्यों बना, रुकावट कर रहा है, स्टोन्स की बहुत सारी इकसाम है, हर एक का इलाज मुख्तलिफ। अच्छा। और ये स्टोन वाला जो किडनी में स्टोन है ये बड़ा मसला आम होता जा जी, रहा है, 9% इसका इंसिडेंस है ना, तो जनरल हर किसी में ये है, इवन के बच्चियां बच्चे जी, दोनों जी, और छोटे छोटे बच्चे भी इसमें मुब्तला हो रहे हैं, तो मुझे बताइए इसका वजह क्या है, किस वजह से ये स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं हमारी किडनी के अंदर? हाँ, एक तो उसमें ये वजह है कि अगर आप इनहेरिटेड, जिस तरह आपने बात की ना, कैल्शियम की लीक गुर्दों में ज्यादा हो जाए, अच्छा, तो उसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन जाए, एक स्टोन की किस्म है। फिर इसी तरह आपका जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, वो भी एंजाइम्स का है, वो तो वो उसकी वजह से आपके यूरिक एसिड स्टोन, अब यूरिक एसिड जिसको स्टोन बनता है, एक तो उसको यूरिक एसिड गोश्त की मिकदार कम करनी चाहिए, ओके, प्रोटीन इनटेक थोड़ी सी कम करनी चाहिए और पानी बहुत ज्यादा पीना, ठीक है। फिर कुछ अदवियां हैं, सिंपल सी अदवियां, एलोपीरिनोल या फेबोक, जो यूरिक एसिड को लोअर करती हैं, आम फेमिलियर भी हैं। अच्छा। इस वजह से वो यूरिक एसिड स्टोन्स रुक जाए, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप जो कैल्शियम या ऑक्सलेट स्टोन्स हैं उसमें आपकी सब्ज पत्तों की सब्जियां वगैरह कम, गुड हाइड्रेशन, नमक की कमी, एडिक्वेट फ्लूट इंटेक, पानी 4 liters, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से उसकी बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। अच्छा। और ब्लड प्रेशर का भरपूर इलाज, ब्लड प्रेशर इतनी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड द साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर के टारगेट्स, अब हमारे ये के कॉन्सेप्ट है कि जी किसी को अगर 40-50 में ब्लड प्रेशर की तशखीस हो गई ना तो वो उसकी जो कंप्लायंस है ना दवाइयों के साथ, एरेटिक, एक गोली खा ली फिर ना खाई, ठीक है, तो एक दफा यू आर डायग्नोज एज हाइपरटेंशन, आपको हाइपरटेंशन हो गई है सारा, तो फिर वो थेरेपी लाइफ लॉन्ग है और आपको अपने टारगेट्स मेंटेन करने। इस वक्त जो टारगेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल है एक बड़े ट्रायल के मुताबिक वो है 130-80। ओके। अब आप एक दवाई पे कंट्रोल हैं, 2 दवाइयों पे कंट्रोल हैं, 3 पे, ये इस पे ना आपको मरीज को ये बात पर्सनली नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, यू हैव टू बी एट अ टारगेट बीपी लेवल, मतलब आपने खुद वो अपनी चीज को, हाँ जी, आपने कहा उसमें, और उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, नमक कम है, चिकनाई कम है, हेल्दी लाइफस्टाइल वॉक। अच्छा। हम डायबिटीज के मरीजों को कहते हैं कि आप अपना 5 से 10 किलो वजन कम कर लें,
तो उनकी शुगर बहुत कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर में भी वजन कम करने, हेल्दी लाइफ से बहुत ब्लड प्रेशर की इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और जैसे हम पथरी की बात कर रहे थे और बहुत से लोग कहते हैं कि एंड पे जाके इसका ऑपरेशन ही है, इसका जो इलाज है, क्या इसके अलावा भी है कि हम लोग मेडिसिन के थ्रू भी इसको कम कर सकते हैं? बगैर रुकावट वाली पथरी का इलाज ऑपरेशन है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ रुकावट वाली पथरी, वो भी एक खास तादाद से मिलीमीटर से ज्यादा। अच्छा, उसमें अगर रुकावट आ रही है तो वो फिर आपको एंडोस्कोपिक सर्जरी के जरिए रिलीव करवानी चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए उसने, वरना गुर्दे को खराब कर। ठीक है। इसी तरह बुजुर्गों में हमारे जो 60 ईयर या 70 ईयर जो प्रोस्टेट मसाने का मसला है, जो मसाने की गदूद है प्रोस्टेट, वो भी निगलेक्टेड रह जाते हैं, उसका इलाज नहीं होता, वो भी काबिले इलाज मर्ज है, क्योंकि वो जब मसाने से के अंदर प्रेशर आ जाएगा, गदूद रुकावट कर देगी तो वो बैक प्रेशर से गुर्दे फेल होने, कमजोर होने, और उसका छोटा सा इलाज है कि वो एक दवाई आती है अल्फा ब्लॉकर, वो आप इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक ठीक। और जहाँ पे उसकी सर्जरी है तो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, एंडोस्कोपिक हम कहते हैं कि वो सिर्फ मतलब तार के जरिए, वो आधे घंटे या पौने घंटे की सर्जरी है, वो ठीक हो जाता। अच्छा। और वो मतलब 60-70 साल में एक मरीज को सोच लें कि डायलिसिस करवाना पड़े तो कितना उनके लिए डिफिकल्ट, फैमिली के लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ एल्डरली में कितनी को अफेक्ट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर गुर्दों में एक दफा पतली निकल जाए, अगर हम लोगों ने इलाज करा ले, तो क्या वो दोबारा भी बनने के बन सकती है? इसमें फिर अदवियात और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाए। उसमें आपका टारगेट है कि इस मरीज को ना पथरी बने या बनी हुई है, ये ना बड़े और ना ये रुकावट वाली। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम तमाम तरह जो गुर्दों के मर्ज हैं इनसे बच सकते हैं। डॉक्टर आदिल मंजूर हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इस खसूसी जो हम लोगों ने सेगमेंट रखा था इस पर आज हमने बात की है, ताकि आपको गुर्दों के हवाले से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं फैशन ट्रेंड्स के हवाले से। तो आपको पता है कि मौसम में बहार की आमद आमद है और हर सू मौसम के बहार के जो रंग हैं वो नजर आ रहे हैं हमें, और जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके भी चेंज हो जाते हैं, हमारे कपड़े, हमारे लिबास चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों के कपड़े हम लोग रख देते हैं और लॉन निकल आती है और मार्केटों में भी सिर्फ लॉन ही लॉन हमें नजर आ रही होती है। तो बहार जैसे ही है, प्रिंट्स किस तरह के होने चाहिए, लॉन किस तरह की होनी चाहिए, स्टाइल किस तरह का होगा, क्योंकि जैसे ही ये बहार का मौसम आता है तो इसके वस्त में ही ये लॉन सारी निकल आती है। तो जनाब, ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ना हमारे कि किस तरह का कलर हम लोगों ने पहनना है इस समर्स में, किस तरह का स्टाइल होना चाहिए, किस तरह का कट होना चाहिए, ये एक फैशन डिजाइनर से बेहतर कोई भी नहीं हमें इसके सवाल जवाब दे सकता। तो फिर हम लोगों ने आज अपने फैशन डिजाइनर को भी मधु कर रखा है। नरगिस बेग आज हमारे साथ मौजूद है, फैशन डिजाइनर है, उनसे इन तमाम तरह जो सवाल हैं उनके जवाब लेते हैं। नरगिस, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, थोड़ा सा गला खराब है आज। वो सभी का भी आजकल मसला हुआ है। मुझे बताइए कि जैसे मौसम चेंज हो चुका है तो क्या फैशन में हमें क्या चेंजिंग्स नजर आ रही हैं? आगे लॉन का भी सीजन आ गया है तो क्या फैशन ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं? फैशन तो बिल्कुल अब लॉन का आ गया। हाँ। आज मैंने इसलिए लॉन वेयर किया है जो कि मेरी कलेक्शन की एक अभी लेटेस्ट एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन का मैंने ड्रेस आज वेयर किया है, और ये कलर बहुत ज्यादा इन है आजकल, डल ग्रीन में और ब्लूज अभी बहुत ज्यादा इन है। लास्ट विंटर में भी आइस ब्लू बहुत था, अभी इस जो कमिंग समर है उसमें थोड़ा सा स्काई ब्लू ऐड हो गया जो ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट अगेन, अगर हम फैशन ट्रेंड्स की बात करें तो लॉन तो यू नो कि ये तो रिक्वायरमेंट है, 8 मंथ्स तो ये पाकिस्तान में गर्मियों के हिसाब से चलती है, तो उसमें एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन है और मेरी अभी सिल्क कलेक्शन भी चल रही है। अच्छा। प्लस कुछ मैक्सीज हैं, प्रिंटेड ग्रिप में है, कुछ शिफॉन बहुत लोग पसंद कर रहे हैं आजकल। ओके। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना सिल्क और शिफॉन का। देन फिर लॉन्च स्टार्ट हो रही है, अप्रोक्स सबने ही लॉन्च कर ली अपनी लॉन, तो मैंने भी लॉन्च कर दिया आज आपके प्रोग्राम में, बस लॉन्च हो गई। लॉन्च हो गई है तो किस तरह की, मतलब लॉन में क्या हमें नया देखने को मिलेगा? प्लेन मिलेंगे, प्रिंटेड मिलेंगे, किस तरह के ये समर्ज में हमें लॉन में या किसी भी स्टफ में? सबसे सेफ प्ले करने का तरीका ये है कि आप सिंगल कलर में चलें। अच्छा, ठीक है। सिंगल कलर में आप एम्ब्रॉयडर्ड भी कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन अगर आप बल्कि हैं तो प्रिंट्स को लेकर थोड़ा सा आपको चूजी होना पड़ता है। अगर बड़े फ्लोरल प्रिंट्स आप पहनते हैं तो आप मजीद हेल्दी लगते हैं, और अगर आप स्मार्ट लुक के लिए चाहते हैं तो सिंगल कलर इज द बेस्ट।
बेस्ट वे, बहुत ज्यादा बेस्ट। तो हमें समर्स में फिर सिंगल कलर ही ज्यादा मिलेगा या सिंगल कलर सॉफ्ट लुक भी देते हैं और एक सेफ प्ले भी आप करते हैं कि उसमें आप हर कलर में जा सकते हैं, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, उनके लिए भी जो सेफ प्ले है ना वो वन सिंगल कलर है, सिंगल कलर ही है, सॉलिड कलर। और हमने देखा भी सर्दियों में ज्यादातर भी सिंगल कलर ही निकला है। जी बिल्कुल, ज्यादा सिंगल कलर पे काम हुआ है। एक्जैक्टली, या कॉन्ट्रास्ट है, जिस तरह से मैंने वेयर किया कॉन्ट्रास्ट है तो ब्राइट कलर्स है। मेरा पर्सनली जो मीडियम है ना वो भी ब्राइट कलर्स में ही ज्यादा अच्छा। मैं प्ले करती हूं। लेकिन फिर समर्स में अगर देखा जाए तो किस तरह के कलर्स होने चाहिए, ताकि एक तो हम बहुत ज्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, फिर उसको भी मद्देनजर रखना होता है कि हमारी आंखों को ना चुभे, तो वो सटल कलर पहने, किस तरह के कलर होने चाहिए फिर? आजकल जो सॉफ्ट कलर, अभी समर का जो आगे जितनी भी कलेक्शन आ रही है उसमें एक तो येलो पीची एंड पीची पिंक टोन्स बहुत ज्यादा है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, आइस ब्लू की टोन्स बहुत ज्यादा है, वो अच्छा लगता है। प्लस ब्लैक तो आपको पता है कि फोर सीजन कलर है, वो तो लोग गर्मियों में भी वेयर करते हैं और सर्दियों में भी वेयर करते हैं, तो वो तो दोनों में ही चलता है। और व्हाइट भी, प्लस व्हाइट तो आपको पता है मस्ट है, ट्राउजर्स बहुत अच्छे बनते हैं लेसिस के साथ, प्लीट्स के साथ, ये तो मस्ट है ना, उसके साथ आप कोई भी शर्ट वेयर कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा एक सेफ प्ले होता है जो अच्छा लगता है, एक आंखों को भी देखने में नीटनेस लगती है व्हाइट कलर में, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। व्हाइट ट्राउजर के साथ कोई भी कलर आप शर्ट का ले सकते हैं, येलो में है, पीच में है, पिंक में है, आइस ब्लू है, लाइट से पिंक के जितने भी टोन्स हैं, जिसमें आजकल जो ज्यादा कलर देखने में आ रहा है वो एक लाइलैक कलर बोलते हैं, जो लेवेंडर कलर भी अक्सर बोलते हैं, वो भी आजकल काफी ट्रेंड में है। अच्छा, और दूसरा नगेज हमने देखा था कि लास्ट ईयर समर्स में हम लोगों ने प्रिंट्स के साथ एम्ब्रॉयडरी भी दोनों कॉम्बिनेशन में कराया था, तो इस साल भी ऐसा कुछ होगा? मिक्स एंड मैच तो चलता है, जो लोग पसंद करते हैं फिर डिजाइनर्स वही लॉन्च करते हैं ऑब्वियसली। तो प्रिंटेड जो शलवार कमीज या प्रिंटेड ट्राउजर या वो भी बहुत अच्छा लगता है, और नेकलाइन एम्ब्रॉयडर्ड भी बहुत अच्छी लगती है, वो थोड़ा सा एक फॉर्मल लुक हो जाता है कि अगर आपने बाहर वेयर करना है तो भी, अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो भी अच्छा लगता है एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन के साथ, कुछ स्लीव्स पे लाइक ऑर्गेन्जा कर दिया, कुछ छोटी मोटी लेसिस बहुत ज्यादा इन है। लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा इन थी लेसिस का, फैशन 4-5 साल बाद रिपीट हुआ, दोबारा आया है, और इस साल भी लेसेस हर कलर में आपको मिलेंगे मार्केट में भी, और डिजाइनर्स ने भी अपने फैब्रिक में यूज किया। तो मतलब हमें बताइए, कुछ जो नाजरीन है उन्हें भी बताइए, किस तरह की लेसेस इस्तेमाल होती हैं, उनका फैब्रिक क्या होता है, उनका डिजाइनिंग फिर किस तरह की जाती है? आजकल जो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, जो मार्केट में मैंने देखा है पर्सनली जो सर्च किया, वो तो हर कलर में आपको कॉटन की लेसेस और इस तरह की कटवर्क वाली लेसेस चल रही हैं, उसके मतलब लेसेस लगा के ही आपका सूट कंप्लीट हो जाता है, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, हर कलर मिल रहा है, और बटन्स इतने खूबसूरत है, हैंडमेड बटन्स हैं, टेसल्स हैं। हम लोग तो ज्यादा, मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे पास जो भी क्लाइंट आए मैं उसको बटन्स खुद बना के देती हूँ। ओके, डिफरेंट मटेरियल मैंने अपने पास रखा हुआ है, छोटे छोटे पर्ल्स हैं और बीड्स हैं, छोटी सी बैट की, कुछ हैंडमेड हो जाते हैं और कुछ नीडल के साथ मैं खुद बनाती हूँ बटन्स, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब लॉन के सूट अगर बड़े खूबसूरत से प्रिंट हो, कलरफुल से वाइब्रेंट कलर्स, तो उसके ऊपर व्हाइट भी आप लगा लें तो बड़ा सेटल्ड सा लगता है, एक गर्मियों में आंखों को देख के जैसे आपने कहा ठंडक सी लगती है, लाइट लाइट से कलर, सॉफ्ट कलर, तो बड़े प्यारे लगते हैं। और जैसे अभी आपने हैंड पेंट की बात की है, हमने लास्ट ईयर भी समर्स में बहुत देखा था कि हैंड पेंट जो हुआ होता था शलवारों पे, कमीजों पे, इवन के दुपट्टों पे बहुत ज्यादा फेमस और इन भी हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आजकल ऑर्गेन्जा पे भी काफी चल रहा है, उसमें साड़ियां भी अवेलेबल है मार्केट में, काफी लोग उसमें काम कर रहे हैं, बल्कि साड़ियां मेरे पास भी अवेलेबल हैं, कुछ हैंड पेंट्स की भी हैं, कुछ कस्टमाइज लोग अपने हिसाब से बनवाते हैं। अच्छा, और हैंड पेंट दुपट्टे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिसपे सूरजमुखी का एक फ्लावर, सन फ्लावर जिसे बोलते हैं, उसका बहुत ट्रेंड चला था, तो वो मेरे पास भी ऑर्गेन्जा में अवेलेबल है अगेन दिस ईयर, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सनफ्लावर का जो प्रिंट है वो बहुत प्यारा लगता है। तो गर्मियों में भी ऑर्गेन्जा पहन सकते हैं? ऑर्गेन्जा सॉफ्ट ऑर्गेन्जा, जिसके नीचे लाइनिंग आप कॉटन सिल्क की यूज करें या लॉन की यूज करें, तब उसे आप एज अ पार्टी वेयर कैरी कर सकते हैं फॉर्मल, अगर आपने कहीं डिनर पे जाना है, क्योंकि रात में थोड़ी ठंडक होती है या हर जगह पे एयर कंडीशन तो अवेलेबल होता है, बट ऑर्गेन्जा बड़ी सॉफ्ट लुक देती है। और अगर आपका लॉन का सूट है, ज्यादा गर्मियों में अगर आप पहनते हैं जो जून जुलाई के महीने हैं, तो आप सिर्फ दुपट्टा ऑर्गेन्जा का कर ले, वो आपको पूरी रिच लुक दे देता है। बेशक आपका ड्रेस जिस तरह मैंने पहना है लॉन का ड्रेस होता है, लेकिन दुपट्टा अगर आप ऑर्गेन्जा का करते हैं तो वो थोड़ा फॉर्मल लुक में आ जाता है। तो ऑर्गेन्जा भी इन है, ऑर्गेन्जा तो मेरा भी फेवरेट है और इन भी है बहुत ज्यादा। प्लस शिफोन लोग बहुत ज्यादा कैरी करने लग गए हैं, शिफोन
सॉफ्ट शिफोन, उसमें समर की भी अवेलेबिलिटी है कि समर में कौन सा स्टफ होता है। अच्छा। और जो डबल जॉर्जेट होती है वो विंटर में यूज हो जाती है, जो सिंगल शिफोन या सिंगल जॉर्जेट जिसे बोलते हैं वो समर्स में यूज होती है, वो समर्स में यूज हो जाती है। उसमें कलर भी इतने खूबसूरत है, आप मार्केट विजिट करें, आपको डाई कराने की भी जरूरत नहीं है, और शिफोन में बहुत अच्छी रॉयल लुक आती है। तो फिर उसकी किस तरह के स्टाइल हम लोग कैरी कर सकते हैं, किस तरह का कट उसका बना सकते हैं अगर शिफोन की बात? शिफोन में सबसे बेस्ट अगर आप चलते हैं तो वो तो मैक्सीज हैं। Okay. जो कि अब लॉन में भी चल रही हैं, शिफॉन में भी चल रही हैं, और जॉर्जेट प्रिंटेड ग्रिप्स में काफी सारे फैब्रिक हैं, नेट में भी चल रही हैं, तो इसमें फ्लेयर बड़ा खूबसूरत आता है। अच्छा। जो आपके एजेस को हम कट करते हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से उसमें एजेस बनते हैं, शिफॉन बहुत प्यारा लगता है। शिफॉन में लिटरली बहुत प्यारा है, तो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है ना बहुत ज्यादा उसके ऊपर। अगर आप समर में कैरी करें तो आप बहुत लाइट सी एम्ब्रॉयडरी कर लें, सिर्फ नेक लाइन कर लें या सिर्फ कोई स्लीव्स का डिजाइन कर लें। आप स्लीवलेस भी उसको अगर पहनते हैं तो हल्का सा नेकलाइन पे अगर आप टच देते हैं एम्ब्रॉयडरी का या पर्ल्स लगा देते हैं तो टोटली आपको एक रॉयल लुक देता है कि फॉर्मल ड्रेस है। तो मुझे बताइए कि फिर बाजू का किस तरह का स्टाइल होगा, क्या लंबी कमीजें चल रही है, नीचे क्यूलॉट या फिर स्ट्रेट पैंट चल रही है, किस तरह का स्टाइल होने वाला? आजकल तो ज्यादा जो ट्रेंड है अभी जो रिसेंटली गया है विंटर्स में भी, वो ज्यादा लॉन्ग शर्ट्स का ही गया है। लॉन्ग शर्ट्स हैं, अगर नी लेंथ भी आप पहनते हैं तो उसके लिए कोई प्लाजो के साथ या लूज ट्राउजर के साथ ज्यादा चल रहा है, लेकिन स्ट्रेट पैंट्स और जो स्ट्रेट शर्ट्स हैं लॉन्ग शर्ट्स वो ज्यादा इन होंगी, वो ज्यादा इन हो रही है। और कुछ हमने देखा है कि शलवार कमीज भी बहुत ज्यादा इन हो रही है। शलवार कमीज में फिर वो सेम एक जैसा प्रिंट ज्यादा ट्रेंड में है। अच्छा। शलवार भी प्रिंटेड और आपकी जो शर्ट है वो भी प्रिंटेड, वो बड़ा अच्छा लगता है। बेल्ट वाली शलवार हो, जिस तरह उसको वो एक पठानी शलवार भी बोलते हैं, क्लाइंट अक्सर आते हैं ना तो वो डिमांड करते हैं कि पठानी शलवार बना दें आप। अच्छा। और समर में ये बड़ा चलती है, शलवार अच्छी लगती बहुत है, ज़्यादा तो लोग कंफर्टेबल होता है वेयर करने में, और सॉफ्ट फैब्रिक होता है, उसकी चुनट्स बहुत अच्छी आती है, प्लस उसके साथ आप कोई भी टॉप टाइप भी आप कुछ लूज में बैगी स्टाइल में पहन सकते हैं, स्ट्रेट शर्ट भी पहन सकते हैं, वो अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, फैशन डिजाइनर नरगिस बेग हमारे साथ मौजूद थी। नरगिस बहुत शुक्रिया आपके वक्त से, आप यहाँ पर आई है और समर कलेक्शन के हम बात कर रहे थे कि जनाब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और लॉन भी इस वक्त मार्केट में आ गई है, और क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरह के कलर्स जो है ट्रेंड हो रहे हैं, उस हवाले से हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। और लाहौर पंजाब का कैपिटल है और पूरे सूबे में जब भी कुछ होता है और एहतजाज का मरकज जो है वो लाहौर बन जाता है। और लाहौर प्रेस क्लब, पंजाब असेंबली, मॉल रोड और सिविल सेक्रेटेरिएट धरनों और मुजाहिरों के लिए पसंदीदा जगह भी बन चुकी है। और जब भी कोई मुजाहिरा होता है तो उन मकामात पर ट्रैफिक बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से पूरे लाहौर में जो ट्रैफिक का निजाम है वो दरहम बरहम होकर रह जाता है। अब एक मरतबा फिर सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर खवातीन और मर्द कॉलेजेस के साथिजा का धरना इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। और पंजाब भर से आए सैकड़ों प्रोफेसर्स फेयर प्रोटेक्शन के हसूल और तनख्वाहों में कटौतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। और इन मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं, इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर वजीहा हमीद हैं और प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला हुसैन हैं, एहतजाज की मुजाकराती टीम में ये दोनों शामिल हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया अपना मौकफ पेश करने के लिए आप लोग यहाँ पर आई हैं। मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आप लोगों का पंजाब के किस सरकारी जो कॉलेज है उससे ताल्लुक है आप लोगों का? मैम मेरा ताल्लुक है दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से। ठीक है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं, उर्दू मेरा सब्जेक्ट है। और मैं कैंट कॉलेज से मेरा ताल्लुक है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी। ठीक है, और मुझे बताइए क्या मुतालबात हैं आप लोगों के, और चार दिन हो गए हैं आप लोग जो धरना दिए बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर, क्या मुतालबात हैं? देखिए हमारे मुतालबा पे प्रोटेक्शन और सर्विस प्रोटेक्शन है बेसिकली। अब ये पे प्रोटेक्शन है क्या, बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं है। हुआ ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आपको पता है कि लेक्चरर्स की भर्तियां होती हैं, तो हमारी दफ़ा ये हुआ कि 2002, 2005, 2009 और 2012 के जो बैचेस हैं अच्छा। इनके साथ ये किया कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया। ठीक है, अब इसके पीछे वजह जो भी थी वो एक उस पर ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू मैम कर सकती हैं, लेकिन हुआ ये कि जब हमें मुस्तकिल बुनियादों पर जब हमें रेगुलर किया गया, परमानेंट किया गया, तो जो हमें पीछे बेनिफिट मिल रहे थे या जो हमारी तनख्वाहों में इजाफा हुआ था वो इन्होंने यकदम रोक दिया।
अच्छा। और ना सिर्फ रोका बल्कि जो देते रहे थे हमें जो इंक्रीमेंट लगे थे वो उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया। ओके, ये कहाँ होता है? अब अगर आज आप एंकर हैं, आपको ब्यूरो चीफ बना दिया जाए, आपकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए ना। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है अगर आप ऊपर के लेवल पे गए हैं तो आपकी तनख्वाह कट हो गई। बिल्कुल, यहाँ अजीब किस्सा है कि जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, रेगुलर होते हैं, हमारी तनख्वाहें 20,000-10,000 पीछे चली जाती है। ओके, और इस वजह से अभी तक मतलब हमारे जो चार बैच जो सफर कर रहे हैं, हमें मजबूरन क्योंकि हमारे साथ वादे किए गए हैं, पहले जो हमने दो बार धरना दिया है उसमें हमारे साथ जो है मिनिस्टर एजुकेशन ने वादे किए, उसके बाद जो है वो कॉन्टेक्ट हुआ बाकायदा, और फिर जो है हमने अदालत से मतलब ये केस जब लड़ा, हम केस अदालतों तक लेके गए, हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया, हमारे हक में फैसला आया। अच्छा, फिर जो ये हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये आगे सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने भी इनकी जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी। ओके, वो भी हमारे हक में आया फैसला। ठीक है, अब वो सारे फैसले हमारे पास हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, लेकिन फिर भी हुकूमत एसएमएस नहीं हो रही है। वो बिल्कुल, और वो उस एक नोटिफिकेशन को ना जारी किया जा रहा है, ना हमारे बेनिफिट्स हमें वापस किए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें धरना देना पड़ा। डॉक्टर विजय क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, मैं तो सबसे ज्यादा हमारा बैच जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि हमें 2002 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई और वो पहला कॉन्ट्रैक्ट बैच था। और सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती नहीं करता था। ठीक है, ये आउट ऑफ द वे जाके आई डोंट नो क्या रीजंस थी और उनको कॉन्ट्रैक्ट पे हमें किया गया, और उसके बाद हम लोग 5 साल बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू किया गया। और मतलब मैं आपको इस बात पर जरूर फोकस करना चाहूंगी कि वो हमारा सबसे ज्यादा हार्डशिप वाला टाइम था। आई मीन, मैं मेरी अपॉइंटमेंट ऐसे कॉलेज में थी जहाँ पे रेजिडेंस नहीं थी और मैं डेली ट्रैवल भी करती रही हूँ। आप उस टाइम का अंदाजा लगाएं कि एक बैचलर और फिर उसके बाद आप रिमोट एरियाज और फिर वहाँ पे आप डेली ट्रैवल कर रहे हैं। और कंपैरेटिवली मैं फिर आपको डॉक्टर्स के साथ कंपैरिजन करूंगी, हम भी हाईली एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड डॉक्टर्स वगैरह जाते हैं उनको इतना फैसिलिटेट किया जाता है, हार्डशिप उनके जो वो होते हैं अलाउंसेज होते हैं, फिर उनको रेजिडेंस लाजमी दी जाती है। एनीवे, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम हमारा जिसमें हमने किस तरह टाइम गुजारा। आप सोचें कि एक बैचलर होते हुए भी आप जो है वो इतनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं उन एरियाज में। उसके बाद फिर 2009 में जाके इन्होंने हमें परमानेंट किया। ऑन द अदर हैंड 2008 में उस टाइम पे मतलब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने लोगों को परमानेंट कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने फिर भी डिले टैक्टिक्स किए और 1 साल बाद जो है जब हम कोर्ट वगैरह में गए और फिर सारा हम लोगों ने अपना, और लीगल है मतलब दिस इज इट वाज लीगल, ये नहीं था कि कोई ऐसा इलीगल, क्योंकि देखें जो चीज कोर्ट उसको प्रूव कर देती वो इलीगल हो ही नहीं सकती, उसमें तो क्वेश्चनेबल बात है नहीं, डिबेटेबल बात ही नहीं रहती। तो उसके बाद उन्होंने हमें 8 साल के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम उन्होंने हमें परमानेंट किया और हमें उसके बाद इन्होंने पे प्रोटेक्शन दी। ठीक है, लेकिन 2013 में ऑल टुगेदर मुझे नहीं पता कि इनको क्या प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने वो हमारी पे प्रोटेक्शन खत्म कर दी। अच्छा, और उससे हम आगे जाने की बजाय डिडक्शन की तरफ चले गए। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि ये क्यों? वो उसकी वजह से तो हम इस पे स्ट्रगल में आए और हमने इसको लीगली काफी फाइट किया, और उस पे भी आप ये देखें कि हम काफी हद तक लीगली इस चीज में प्रूव कर चुके हैं कि कोर्ट की तरफ से ये चीजें आ गई हैं कि भाई इनको पे प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि देखें हमें पे प्रोटेक्शन भी दी जाए और हमें सर्विस प्रोटेक्शन भी दी जाए। ओके, जो 7-8 साल आप एक इदारे को दे रहे हैं, अपना फ्रूटफुल टाइम, अपना एनर्जेटिक टाइम आप उतना दे रहे हैं। मेरे साथ और बहुत सारी मेरी कोलीग्स थी, वो अपने होम स्टेशन पे रही, उन्होंने अपनी डिग्रीज इंप्रूव की, उन्होंने PhDs कर ली, हम लोग रिमोट एरियाज में सर्व करते रह गए, आज वो हमसे कहीं आगे खड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है, और हम अब डॉक्टरेट कर रहे हैं जो आज से 8-9 साल पहले कर गए, हमने वो भी अपनी कुर्बानी दी, और उसके बाद भी हमें कहा जाता है कि आपका वो टाइम हम मानेंगे नहीं। अच्छा, मतलब वो हमारी सर्विस में इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं वो 7-8 साल, वो कहते हैं कि आपने सर्व ही नहीं किया, बस ठीक है जितना सर्व किया था आपको पे हो गया, दैट्स इट। अच्छा, तो हमारा ये मुतालबा है कि हमें ना सिर्फ पे प्रोटेक्शन दी जाए बल्कि वो टाइम जो हमने गवर्नमेंट को लोगों को उसको सर्व किया जाए। ठीक है प्रोफेसर शुमैला, जैसे आपने बताया कि 2 दफा पहले भी आप लोगों ने धरना दिया और मुतालबात आप लोगों के हुए, तो तब किन मुतालबात की बना पर आप लोगों ने फिर धरना छोड़ा और अब जो दोबारा आप करने आ रहे हैं, क्या कहते थे वो लोग? देखिए उस टाइम इन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे 4-5 मुतालबात थे उसमें, पे प्रोटेक्शन 4th-5th नंबर पे था। उससे पहले चूंकि हमारे कोई एक मसला तो होता नहीं, कम्युनिटी के मसाइल तो चलते रहते हैं, तो उन पे इन्होंने हमारे साथ कहा कि हाँ ये सारे जो मामलात हैं, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये हो जाएंगे, हम हल करेंगे,
आप घरों को चले जाएं। अच्छा, अब आपको पता है असातिज़ा कम्युनिटी, बहरहाल हम झगड़े से बचते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अगर सुलह सफाई से काम हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है खामखा रास्तों में बैठे रहने की। अच्छा, उसके बाद जब धरने दिए गए कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, अच्छा वो भी हो गया ठीक, लेकिन फिर उसको अमल नहीं किया जा रहा, मतलब आखिर मसला क्या है? जब हम इनसे कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, हम आपसे तनख्वाहों में इजाफा नहीं मांग, मतलब वादा करते हैं लेकिन वादा खिलाफ हो जाती है, हम इनसे तनख्वाहों में इजाफा नहीं मांग रहे, ठीक है, अगर किसी को ये लग रहा है, मतलब ये मेरा लोगों से ये बात है, स्पेशली मतलब आवाम से बात करना चाहूंगी जो हमारी तरह के लोग हैं, उनको ये लग रहा होगा कि असातिज़ा शायद ये चाह रहे हैं कि इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं। नहीं भाई, हम तनख्वाहें बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें जो हमसे ले ली गई है हमारी, हमसे हमारा कमाया हुआ पैसा, कमाया हुआ वक्त छीना जा रहा है, हम वो वापस मांग रहे हैं, और ये वादे करके भी हमें वो सब वापस नहीं दिया जा रहा। अब इसके पीछे क्या वजह है? कभी कहते हैं जो है मुल्क के मसाइल, मतलब वसाइल नहीं है, इतने फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फलाने इश्यूज चल रहे हैं, फलाने इश्यूज चल रहे हैं, बाकी सारे महकमों की याशियां तो चल रही हैं, मतलब इन्हें सबसे ज्यादा अमीर हम असातिज़ा लगते हैं। अच्छा, हमारा कमाया हुआ पैसा भी ले लेंगे, उसके बाद हमसे तवक्को करेंगे कि हम इनको कहेंगे कि सात बिस्मिल्लाह आए हमारी तनख्वाह में से और भी ले जाएं। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमारे घर नहीं चलते? क्या महंगाई हमें इफेक्ट नहीं करती? जैसे मैडम ने कहा, हम हार्ड एरियाज में काम कर रहे हैं, हम इतनी दूर दूर जाके काम, हम बीइंग वीमेन आपको अंदाजा है घर से निकलना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसके साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, आपने अपने बच्चों की एजुकेशन को भी पूरा करना, उनकी जिंदगी भी बनानी है, और साथ साथ आपने अपने आप को भी एक अच्छे लेवल पे, क्या हमारा हक नहीं है, हमने डॉक्टरेट कर रखी है, हम जो है वो प्रोफेसर हो चुके हैं, 18वें 19वें स्केल में 20वें स्केल में काम कर रहे हैं सब, मतलब कुछ लोग डायरेक्ट सिलेक्ट होकर आगे भी चले गए, तो क्या हमारा हक नहीं है कि जिस तरह से एक ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग इंजॉय करते हैं जिस स्टेटस को, चले हमें उतना नहीं देते तो उसके आधा ही हमें वो लेवल दे दे, हम उस्ताद हैं भाई, आप हमें कहते हैं हम कौम के मामार हैं, हम आपकी कौम को बना रहे हैं, आप मामारों के साथ ये करें, आपने तो हमें वो बेचारे जो सड़कों पर बैठे मजदूर हैं उनसे भी नीचे समझ लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर विजय, मुझे आप बताइएगा कितनी कटौती हो रही है तनख्वाहों में? तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया जो है वो हमारी रिडक्शन हो रही है। अच्छा, और ये हर महीने हो रही है? जी हाँ, मंथली बेसिस पे हो रही है। और मतलब मुझे ये समझ नहीं आती बात कि जब एक चीज मान ली गई है, मतलब हर लेवल पे मान ली गई है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? और ऑन द अदर हैंड बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट से इस तरह लोगों को परमानेंट किया गया। अच्छा, ठीक है। और फुल बेनिफिट्स किया गया, बिल्कुल, तो वहां पे इस चीज को नहीं रुकावट समझा जा रहा कि भी कोई फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे या जो भी है। हमारे पैरेलल हमसे पहले जो है कुछ लोगों को एडहॉक पे भर्ती किया गया, एडहॉकिज्म, यू नो के सीट वेकेंट हुई उसके अगेंस्ट कोई आ गया, और मतलब वो पॉलिटिकल आप समझ लें कि कुछ भर्तियां थी। अच्छा। और फिर उसके बाद जब हम लोगों की अपॉइंटमेंट हुई तो वो लोग मतलब गए घर वापस, लेकिन उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और वो लोग जो बगैर किसी सिलेक्शन बोर्ड के, बगैर किसी सिलेक्शन पीपीएससी के, वो लोग सिंगल सीट के अगेंस्ट आए, उनको फुल बेनिफिट्स दिए गए, और हम लोग जो थ्रू प्रॉपर चैनल आए, अगर हम अपने राइट की बात करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। उसके लिए हमें लीगल एक नोट, सारी चीजें हो गई हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी भी मान गई, मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर साहब हैं वो तब आए धरने में, उन्होंने इन राइटिंग ये सारी चीजें दी कि जी आपका राइट है ये और आपको मिलना चाहिए और मिलेगा। और उसके बाद आप देख लो 2019 से के बाद से लेके आज तक हम, लेकिन ये 4 दिन हो गए आप लोगों को एहतजाज करते हुए, कोई मुतालबात के लिए आया गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, अभी तक तो कोई उन्होंने कोई ऐसा हमारे साथ, उन्होंने कोई राबता ही नहीं किया आप लोगों से अभी तक? हाँ, उन्हें ये लगता है कि असातिज़ा हैं, शरीफ लोग हैं, क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, उठ के चले जाएंगे। लेकिन हम आपके इस चैनल के थ्रू, नेशनल टीवी के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम तब तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये काम हो नहीं जाता। अब की बार हमारे पास, हम सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा लेके आए हैं, ओके, हमने साथ कोई और मुतालबात नहीं रखे कि अब की बार हमें टरखाया ना जाए, और जिसे कहते हैं डू और डाई वाली सूरत हाल है, हम बैठे हुए हैं, आप ना करें काम, हम भी बैठे हैं। अब और मजीद आगे लाया अमल है, हमारे आगे भी है कि अगर मजीद ये नहीं, अच्छा अगर फर्ज करें कि अगर ना माना गया, आपके मुतालबा ना माने गए, तो फिर आप लोगों ने क्या प्लान किया है, क्या लाया अमल आगे? फिर ये कि हम इदारे बंद करवाएंगे, हम क्लासेस बंद करवाएंगे। अच्छा। देखिए ये हमें मजबूर कर, लेकिन ऑलरेडी बच्चों का भी क्या कसूर है, वो ऑलरेडी उनको भी सफर कर रहे हैं। देखिए अभी इस वक्त भी हम लाहौर के जो असातिज़ा हैं, हम उनकी क्लासेस पढ़ा के, अच्छा, हम सारा काम करके कॉलेज से फिर इधर आते हैं, और जो दूसरे टीचर्स जो बाकी डिवीजन से आके बैठे हुए लोग हैं बेचारे, वो भी पीछे अपने बैकअप पे असातिज़ा वहाँ, उनको मतलब एक दूसरे की क्लासेस रख, एक दूसरे की हम क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं, एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम खामखाई सड़कों पे आके बैठ जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, हमें हमारे स्टूडेंट्स हमारे सगे बच्चों की तरह होते हैं,
अगर जितने भी टीचर्स देख रहे हैं वो इस बात से बिल्कुल जो है वो इत्तफाक करेंगे कि हमें हमारे एक स्टूडेंट का भी एक लम्हा भी ज़ाया होता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसी तकलीफ को ज़रा ये अरबाब अख्तियार भी महसूस कर लें। सिर्फ ये सारी तकलीफ हम वैसे भी हमने सहनी है, महसूस भी हम ही ने करनी है, गुजरेंगे भी हम ही पे, ये तो नहीं होता ना। जब अगर किसी को इतना महसूस हो रहा है तो भाई जल्दी आ जाए, काम कर दें और मसला भी कोई नहीं, और इतना बड़ा बजट इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा इसमें। अच्छा, जिन्होंने कटौतियाँ की हैं और जो आगे हमारे साथ मतलब तीन मैं 2009 बैच की हूँ तो मेरे 3 साल की जो इंक्रीमेंट थे वो खत्म हुए हैं मैम के। ये 2002-2005 वाले तो बहुत सफर किया है, लोगों ने बड़ी तकलीफ उठाई है, हम लोग चले फिर भी थोड़ा सा हो जाते हैं कि अच्छा चलो यार 3 साल की कटौतियाँ हमारी हुई हैं या मतलब हमारी तनख्वाहें कम हो गई, लेकिन फिर भी तकलीफ होती। जैसे पहले मैंने आपसे कहा आपकी अगर जॉब अपर लेवल पे जाएगी exactly, तो वो तनख्वाह बढ़नी चाहिए ना कि बढ़नी चाहिए, कमी की जाए। कम हाँ। क्यों होती है भाई exactly. ये क्या तरीका, आप हमारे अलाउंसेस काट लेते हैं, खत्म कर देते हैं हाँ। आप हमारे जो इंक्रीमेंट्स है उनको उठा के जो है वो स्पेशल अलाउंस बना देते हैं, उसके बाद उस स्पेशल अलाउंस भी हटा देते हैं। अच्छा, और ये अंदाजा नहीं है लोगों को कि जब हम रिटायर होते हैं उस वक्त जब ये जो हमारी बेसिक पे में शामिल नहीं किया गया इसका हमें नुकसान है। और जिस वक्त हम रिटायर होंगे सोचें आज से 20 साल 25 साल के बाद, कुछ लोग जरा हमसे भी आगे हैं, किसी का 15 साल में रिटायरमेंट है, किसी की 10 साल में है, तो उन लोगों को कितना नुकसान होने वाला है, महंगाई कहाँ चली जाती है। और जब हम रिटायर होकर घरों को जाएंगे बूढ़े हो चुके होंगे, कुछ और काम करने काबिल नहीं होंगे, अपनी तरफ से तो हम 19वें ग्रेड में 20वें ग्रेड में जाके रिटायर हो रहे होंगे, लेकिन पता चलता है कि हम वापस इतना बड़ा धचका लगता है क्योंकि अलाउंसेस तो सब खत्म हो जाते हैं, पेंशन तो हमारी बेसिक पे बनती है। बिल्कुल, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा इनमें घुस के इनको देखना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार मीडिया से भी दरख्वास्त कर रहे हैं, हम लोगों से भी, दूसरे जो तंजीमें काम कर रही हैं उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी फरमाएं, हमारे साथ आएं। अगर आज ये हमारा जो हम असातजा का, आप ये देखें हम कितने मजबूर हुए होंगे कि सड़क कि आप लोग बाहर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, मजबूर होकर ही कोई बाहर निकलता है, किसी को शौक नहीं होता कि वो बाहर निकल के एहतजाज करें। और मुझे बताइए डॉक्टर वजिया कि इस वक्त कुल कितने असातजा हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और पंजाब के किन किन शहरों से आए हुए हैं? तकरीबन सारे पंजाब से ही लोग जो है वो शामिल हैं। अच्छा, और उसमें तकरीबन हमारे जो है जनरल कैडर के हैं वो 6000 हैं फैक्ट्रीज, और कॉमर्स साइड पे से जो है तकरीबन 5000, तो तकरीबन 65 तक जो है 6500 जो टीचर्स हैं वो इसमें फैक्ट्री हैं। अच्छा, और मैं मिस शुमाइला की बात को थोड़ा आगे करूँगी कि जब हम लोग रिटायर होते हैं ना उसमें हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ओके, उसमें अगर रिटायरमेंट हो तो वो मेच्योर होती है। ठीक है, अगर उससे पहले रिटायरमेंट हो जाए उस मतलब 20-25 साल से पहले, अगर 25 साल से पहले हो जाए तो वो प्री मेच्योर होती है। ठीक है, और प्री मेच्योर में आपको पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलते। ओके, उसमें मेच्योर होगी तो बेनिफिट्स होंगे आपको। ठीक है, अब जिन लोगों की सर्विस में से आप 7-8 साल निकाल देंगे उनकी 25 साल की सर्विस कैसे पूरी होगी? तो वो तो अभी का मसला नहीं है, ये तो आगे इतना लिंगर ऑन होगा कि रिटायरमेंट तक जो है ये चीजें आगे जाएंगी, और अच्छा। उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे आके भी उनको फुल बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है लोगों के लिए, जिनके खास तौर पे 2002-2005 वाला जो बैच जिनका इतना लंबा टेन्योर सर्विस का इंक्लूड ही नहीं कर रहे। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, हम किसी से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे, वी आर नॉट इम्पोजिंग देम, हम अपना राइट है जो हमें अपना राइट भी नहीं दिया जा रहा और वो राइट मान के भी नहीं दिया जा रहा कि दिस इज योर राइट और फिर भी हम आपको नहीं देंगे, ये वाली एक कैफियत जो सी है ना वो जनरेट करती है। तो डॉक्टर वजिया मुझे बताइए अगर मुतालिबात नहीं माने जाते जैसे मैंने मिस शुमाइला से भी पूछा है तो क्या आप लोग का अगला मरहला क्या होगा, क्या लाया मतलब अपनाने वाले हैं? देखिए पहली बात तो ये कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें मतलब ठीक है डिले टैक्टिक्स ये जा रहे हैं, लेकिन आई होप के होप फॉर द बेस्ट वाली बात होती है कि आई होप कि इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर वही बात है कि चूंकि हम गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया और फिर यू टर्न ले लिया। हाँ। तो इसलिए हम थोड़ा सा इस मामले में डाउटफुल भी हैं कि कह के, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस दफा जो कुछ हो वो ब्लैक एंड व्हाइट में नोटिफिकेशन की सूरत में हो। नोटिफिकेशन होगा तभी माना जाएगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा और होगा तो हम वहां से उठेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे कि इदारों पे कोई बात आए या फिर हमारे स्टूडेंट इस मामले में सफर करें। अच्छा। क्योंकि मिस शुमाइला की तरह मैं भी यही बात कहूंगी कि वो हमारे बच्चे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को किसी भी किस्म का कोई भी ड्रॉबैक हो या उनके एजुकेशन पे किसी किस्म का कोई, लेकिन देखें हम अपने राइट्स के लिए आए हैं, अगर हम इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है तो मुझे बताएं कि हम कैसे आगे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं, हमने अपने जॉब पे कोई इस चीज का इफेक्ट नहीं आने दिया,
आज भी हम उसी तरह अपनी एजुकेशन पे, अपने बीएसके या जो भी है स्टूडेंट्स हैं, हम उनको उसी तरह पूरा टाइम देते हैं, दो दो बजे तीन तीन बजे तक वहाँ पे कॉलेजेस में होते हैं, लेकिन ये है कि उसके बाद हम अपनी इस चीज़ के लिए आगे आते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह रही हूँ कि अगर वो हमारे राइट्स को नहीं मानते तो डेफिनेटली ये फिर हमारा राइट है कि फिर जो हमें बेहतर लगेगा वो हम करें। मतलब अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो आपको जो फिर बेहतर लगेगा आप लोग वो ही करेंगे। डॉक्टर शुमैला, आप क्या कहना चाहेंगी, एंडिंग नोट क्या करेंगे आप? देखिए, बात ये है कि अगर हम असातिज़ा खामोश हो जाते हैं अपना हक छीने जाने पर, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि कोई हक छीन के चला जाए तो कहें बेटा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता। हमने बच्चों को भी यही सिखाना है कि बेटा जब कोई आपका हक छीनता है प्यार से कहो, दो दफ़ा कहो, तीन दफ़ा कहो, चार दफ़ा कहो, लेकिन अगर कोई आपका हक छीने ही चला जाता है और बात मान के भी नहीं मान रहा, ये भी कहता है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ये आपका है लेकिन हम आपको नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि ये गलत है, उस गलत बात के खिलाफ डट जाओ। अगर आज हम नहीं करेंगे तो सिखा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। प्रोफेसर डॉक्टर वजीहा हमीद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया वजीहा जी, और प्रोफेसर डॉक्टर शुमैला हुसैन हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आई हैं और अपना मौकफ आप लोगों ने पेश किया है। चार रोज़ हो चुके हैं इस धरने को, टीचर्स ने धरना दिया हुआ सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर, अपने मुतालबात के हवाले से वो बात कर रही थी, और उम्मीद करते हैं कि जनाब हुकूमत जल्द से जल्द इनके मुतालबात माने और ये लोग वापस कॉलेजेस में जाएँ और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब अब कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की, तो कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और नाजरीन बिल्कुल ऐसे ही, जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपने मकसद पूरे करने से नहीं रोक सकती है। लेकिन क्या आप लोग सोच सकते हैं कि हजारों मीटर की बुलंदी और हवा का दबाव इतना तेज के साथ लेकर उड़ जाए, और ऐसे में खातून पाकिस्तान की बुलंद तरीन सख्त पथरीली चट्टानों पर जा पहुंचे? यकीनन इसका जो जवाब है ना, हाँ में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये सच करके दिखाया है पाकिस्तान की बेटी इकरा जलानी ने, जिन्हें खतरों का खिलाड़ी कहा जाए या फिर एडवेंचरस गर्ल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रॉक क्लाइंबिंग ना सिर्फ एक मुश्किल काम है बल्कि एक खतरनाक और जिंदगी को खतरे में डालकर देने वाला भी एक मशगला है, लेकिन वो इस खतरनाक खेल में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। और एडवेंचरस स्पोर्ट्स में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मुकाबले वो जीत चुकी हैं, और हाल ही में होने वाली आयरिक क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, उन्हीं की जबानी जान लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इकरा जलानी, है नेशनल रॉक क्लाइंबर हैं। इकरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लोहार में, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इकरा, ये जो रॉक क्लाइंबिंग है बहुत ही मुश्किल मशगला है, आप कह लें कि स्पोर्ट है, तो ये कब से आपने शुरू किया ये रॉक क्लाइंबिंग करना, सबसे पहले तो हमें ये बताइए। मैंने ये 2009 में शुरू किया था, मैं तब 11 साल की थी। और कितना मुश्किल था, किसको देखकर आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि आप ये रॉक क्लाइंबिंग कर सकती हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लड़कियां इस खेल की तरफ नहीं जाती हैं? अच्छा, वैसे जनरली तो मैं काफ़ी स्पोर्टी सी थी बचपन से ही, मतलब मुझे आउटडोर गेम्स वगैरह का बहुत शौक था, लेकिन ये जो स्पेसिफिक गेम है इसका आप ये कह लें, या एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक आप ये कह लें कि मुझे खुद से ही हुआ, या फिर आप ये भी कह सकती हैं कि मुझे मेरी फैमिली में भी ये चीज़ देख देख के इस चीज़ का आगे शौक हुआ। अच्छा, मतलब फैमिली में ऑलरेडी लोग कर रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग? नहीं, फैमिली में रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर रहे, मगर ये है कि मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स सारे स्पोर्टी से हैं। अच्छा। फादर जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो वो भी एडवेंचर, उनकी तो मतलब डेली की रूटीन में ही एडवेंचर स्पोर्ट्स वैसे ही आ जाती थी, और इसी तरह बहन भाई भी नेशनल प्लेयर्स रह चुके हैं अपनी अपनी स्पोर्ट्स में। तो मतलब उनको देख के आपको लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और आपके जीन में भी ये शामिल था? बिल्कुल, it runs in my blood, ये बिल्कुल जीन्स में शामिल था, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इकरा मुझे बताइए, फिर जब आपने कहा कि मैंने ये वाली स्पोर्ट जो है उसको चूज करना है, तो फिर फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको, क्योंकि काफी मुश्किल है और डेंजरस भी है? बिल्कुल, फैमिली ने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि
इसमें सेफ्टी तो होती ही होती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे किसी चीज से ना डराया ना रोका, उन्होंने कहा कि करना चाहती हो तो आगे बढ़ो और करो। अच्छा, और आई गेस पूरा क्रेडिट मेरी फैमिली को ही जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है सबसे ज्यादा, कि उन्होंने मुझे इस चीज से रोका नहीं और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया कि मैं इस चीज को अच्छी तरह से परस्यू कर सकूं इस स्पोर्ट को। तो अभी तक इकरा कितने साल हो गए हैं अभी आपको ये करते हुए रॉक क्लाइंबिंग? मुझे 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल, बहुत लंबी जर्नी है आपकी इकरा। तो मुझे बताइए कितने कॉम्पिटिशन्स में अभी तक आप हिस्सा ले चुकी हैं इन 12-13 साल की जर्नी में, और कितनी अचीवमेंट्स आप हासिल कर चुकी हैं रॉक क्लाइंबिंग में? अच्छा, मैंने तकरीबन आप कह लें कि 30+ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है और तकरीबन 24-25 कॉम्पिटिशन्स विन भी कर चुकी हूँ। के हवाले से मुझे बताइएगा, फैसिलिटीज के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी, रॉक क्लाइंबिंग के हवाले से पाकिस्तान में कितनी फैसिलिटीज मौजूद हैं? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हमारे पास बिगिनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक की आप कह लेंगे ट्रेनिंग भी मौजूद है। अगर हम इस चीज में एक्सेल करना चाहें तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ट्रेनर्स हमारे पास प्रोफेशनल्स मौजूद हैं यहाँ पर? बिल्कुल, हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनर्स मौजूद हैं, हमारे पास अच्छे कोचेस मौजूद हैं जो हमें सिखा सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि इस ये जैसे स्पोर्ट बहुत मुश्किल है, इसको सीखने के लिए हमारे खुद के अंदर किस तरह का स्किल होना चाहिए, मोटिवेशन कितनी जरूरी है इसको सीखने के लिए? इस स्पोर्ट को सीखने के लिए आई थिंक मोटिवेशन एंड बीइंग पैशनेट अबाउट इट इज द मेन पॉइंट। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की मोटिवेशन नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो कि आप आगे बढ़ सकेंगे या आप सीख सकेंगे। अनटिल एंड अनलेस आप मोटिवेटेड हो, आप उसको करने के लिए आपके अंदर एक जज्बा हो कि नहीं यार करना है। ठीक है, तो मुझे इकरा बताइए खुद को फिट कैसे रखती है स्पोर्ट के लिए, क्या डाइट प्लान होता है, क्या क्या खाना पड़ता है, क्या खाना नहीं पड़ता है? अच्छा, डाइट प्लान तो यही है कि आपने जितना आप फ्रेश वेजिटेबल्स खा लें, फ्रूट्स खा लें, जूसेस वगैरह पी लें। इसके अलावा फिजिकली फिट रहने के लिए जिम करती हूँ, जिम में डिफरेंट एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, जैसे पुल अप्स हो गए, चिन अप्स हो गए, कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं। इसके अलावा हम जाके ऑन फील्ड ट्रेनिंग करते हैं वीक में एटलीस्ट 2-3 दफा। अच्छा, और ये आपकी पूरे दिन की स्केड्यूल यही होता है आपका? बिल्कुल यही होता है, थोड़ा शाम में जाके मतलब थोड़ी देर जिम कर लिया। हाँ। क्योंकि इसकी इस गेम की जो मेन ट्रेनिंग है या जो आप कह लेंगे एक मेन चीज है वो ये है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिसमें आपके काफ मसल्स इंक्लूड होते हैं, आपके फोर आर्म्स होते हैं, आपके शोल्डर स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वो आपका अपना वेट बेयर कर सकें जब आप क्लाइंब कर रहे हैं। आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपकी फिंगर्स में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप इजिली होल्ड करके ऊपर चढ़ सकें। तो इकरा आप साथ साथ स्टडी भी कर रही होंगी, तो फिर किस तरह मैनेज करती हैं स्टडी को भी और इस इतने मुश्किल खेल को भी? बिल्कुल, मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं अपनी ये गेम को भी जो है कंटिन्यू रखती हूँ और बस बैलेंस कर लेती हूँ। पढ़ाई का अलग टाइम होता है, खेलने का अलग टाइम होता है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आपकी तरह और कितनी लड़कियां जो हैं वो इस स्पोर्ट की तरफ आ रही हैं, मतलब ये अब फेमस होना शुरू हो गई है? बिल्कुल, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो बहुत कम लड़कियां थी, लेकिन अब ऑलरेडी एक तो इस गेम के अंदर लड़कियां हैं जो मेरे साथ खेलती हैं, अपनी अपनी डिफरेंट कैटेगरीज में हैं। अच्छा। और इसके अलावा भी अब आगे भी बहुत ज्यादा लड़कियां इसको ज्वाइन कर रही हैं जो इसको सीखना चाहती हैं और करना चाहती हैं। तो उनको क्या मशवरा देंगी जाते जाते, मतलब अगर वो आपको देख रही हैं और वो सीखना चाह रही हैं, इस फील्ड में आना चाह रही हैं, तो उनको क्या कहेंगी? उनको यही मशवरा दूंगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं, जो भी करना चाहें कर सकती हैं। अपने आप को फिजिकली फिट रखें और मेंटली फिट रहने के लिए कोई अगर ये स्पोर्ट नहीं खेलनी तो कोई ना कोई और स्पोर्ट जरूर खेलते रहे। तो इकरा आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या सोचा हुआ है, आगे क्या करना है? आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा
मेरा ये प्लान है कि मैं किसी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मिल के पाकिस्तान में एक्सचेंज प्रोग्राम्स डेवलप करवाऊं, जिसमें मैं बाहर से क्लाइंबर्स को बुलाऊं जो यहाँ आके सीखें सिखाएं, और यहाँ पाकिस्तान के जो क्लाइंबर्स हैं वो कहीं बाहर अब्रॉड जाके सीखें और सीख के वापस आए। ठीक है जी, देन बेस्ट ऑफ लक इकरा फॉर योर जर्नी। और इकरा जलानी हमारे साथ मौजूद थी, नेशनल रॉक क्लाइंबिंग चैम्पियन है, उनसे हमने बात की और हाल ही में होने वाली चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, उनकी जर्नी के बारे में जाना है। और उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।